हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ए आर के एप्स में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज है उसमें थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारी ये पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो भाई इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, जाके देख लो, तभी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि कैसे आप इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कोई डेटा सेव है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि आपका कोई ऐप है जिसमें यूजर यूज कर रहा है, उसने अपनी क्या क्या प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया या फिर उसने अपना नेम चेंज किया, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, आपको अपडेट भी तो करना होगा, तो आप वो चीज़ कैसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे मैं एक मैथड बनाऊँगा अपडेट डेटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्राइवेट वाइट अपडेट डेटा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, देखो कोई भी अगर डेटा अपडेट करना है तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है कि आप सिंपली क्या कीजिए, फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो कलेक्शन है यूजर कलेक्शन उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद किस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है उस डॉक्यूमेंट को आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। उस डॉक्यूमेंट को समझ लो, मुझे ये डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, तो यहाँ से मैं इसकी जो आईडी है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे कलेक्शन पे आने के बाद ये इस वाले डॉक्यूमेंट पे आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले सेट लिखते थे या फिर गेट लिखते थे। यहाँ पे एक मेथड और है अपडेट का, ये देखो अपडेट का मेथड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अपडेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज बतानी होगी, स्ट्रिंग फील्ड और उसका ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमको क्या बताया, सबसे पहले हम यूजर पे गए, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, अब हम क्या पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। इनमें से आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं, इसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो जिसको भी अपडेट करना है उसका सिर्फ फील्ड वैल्यू बताना है और फील्ड बताना है और उसके बाद फील्ड की वैल्यू बताना है। जैसे कि मुझे ये नेम अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, यहाँ पे अमित है तो यहाँ पे मैं कुछ दूसरा नेम लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या बताना होगा, फील्ड का नेम बताना होगा, मतलब फील्ड बताना होगा। तो फील्ड क्या है, हमारी नेम है और उसका वैल्यू क्या है, अमित है। तो उसके साथ ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले फील्ड बताना है तो यहाँ पे नेम लिखूंगा और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे मुझे क्या लिखनी है, वैल्यू। तो वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी सेव कर देता हूँ, किशन। ओके, तो हमने क्या बताया, फील्ड बताया और वैल्यू बताया। ओके, अब मैं क्या करूँगा इसको, आप क्या कर सकते, हाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के एड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू व्यू ऑन सक्सेस लिसनर। ओके, तो अब ये सक्सेस हो जाएगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक पोस्ट मैसेज सेव करेंगे और बोलेंगे कि अपडेट सक्सेस। ओके, तो ये देखो बहुत ही आसान है कोई भी डेटा को अपडेट करना। ओके, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना, आपको सिंपली करना क्या रहता है, आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, जो भी आपका पाथ है उस पाथ पे जाइए, यूजर पे जाइए और यूजर के डॉक्यूमेंट पे जाइए, फिर उसके बाद किस फील्ड को अपडेट करना है वो बताइए और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो बताइए, बस। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे चाहे तो कॉमा लगा के और भी फील्ड वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे ईमेल भी चेंज करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर मैंने कॉमा लगाया, अब यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल और यहाँ पे फिर मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ abc@gmail.com। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल मल्टीपल फील्ड और वैल्यू ऐसे सेट कर सकते हैं एक साथ। ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने दो चीज ऐड की है, एक तो पहले मैं नेम चेंज कर रहा हूँ और दूसरा ईमेल चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, एक बटन और ऐड करेंगे अपनी इधर, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ से इसको लेता हूँ और इसका यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डेटा और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट। ओके, अब फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे
ये बटन हमारी बन गई, और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे फाइंड कर लूंगा। अपडेट डेटा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अपडेट डेटा पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड चला दूंगा। अपडेट डेटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे मैं मेथड को मेरे कॉल कर लूंगा अपडेट डेटा। ओके, तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं अपडेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो हमारे कोड के हिसाब से ये नेम हमारा चेंज होना चाहिए और ईमेल भी चेंज हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अपडेट डेटा पे मैंने क्लिक किया और अपडेट सक्सेस का हमको मैसेज आ गया है, और यहाँ पे देखते हैं। ओके, हमारा देखो ये ईमेल भी चेंज हो गया और ये नेम वैल्यू भी चेंज हो गई। तो देखा कितनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किया है उसको कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप क्या कीजिए यहाँ पे, आप क्या कीजिए यहाँ पे एक और बटन लगाइए, एक और बटन लगाइए, और बटन लगाइए उसका कोई भी नाम रख दीजिए, अपडेट डेटा कुछ भी नाम रखिए। और उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको सबसे पहले तो क्वेरी करनी है। क्वेरी करेंगे आप, कोई भी एक क्वेरी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लिया। आपको क्या करना है, आपको क्वेरी करनी है कि जहाँ पे ईमेल abc@gmail.com है, उस डॉक्यूमेंट को क्वेरी करनी है। और उस डॉक्यूमेंट को क्वेरी करने के बाद जब आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट पाएंगे, ओके, हमारा जो क्वेरी डेटा वाला मेथड था हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे जब आप क्वेरी अपनी पाएंगे, तो यहाँ पे जब आपको ये क्वेरी पाएंगे तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट आईडी, ओके, सिंपल एक ही लाइन ये लिखेंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट आईडी, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका ये की जो है ना, ये आईडी है, ये आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आईडी मिलने के साथ ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपडेट डेटा। अपडेट डेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यही आईडी को पास कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप पास कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग आईडी, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की जगह पे आईडी लिख सकते हैं। ओके, इसको आईडी लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं यहाँ पे। अब इस मेथड को आप क्या कर सकते हैं, अपडेट डेटा वो आईडी डाल के पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक मेथड बनाइए, एक मतलब कुछ अपना दिमाग लगा के कीजिए कि मतलब आप डायरेक्टली पहले क्या कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, पहले आप इसको क्वेरी कर रहे हैं जहाँ पे ईमेल xyz जो भी आ है वो इस ईमेल को क्वेरी कर रहे हैं, फिर उस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। इस तरीके से एक एक्सरसाइज है आप आपके लिए, तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें करेंगे, और चीज़ें अगर जब आप कर लेंगे तो भाई मेरे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं, मैं उसको देखूंगा जरूर से। तो आप वो फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, गुड डे एंड टेक केयर।